हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे YouTube के चैनल ए स्क्वायर पर फिर से स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारे चारों ओर के परिवर्तन भाग दो, क्योंकि भाग एक हम इसका पहले ही पढ़ चुके हैं। अब भाग दो के बारे में पढ़ेंगे, जो है अनुत्क्रमित परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनको पुनः अपने पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता, उत्क्रमित न होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे फलों का पकना, फसलों का पकना, रोटी का, सब्जी का बनना, दूध से पनीर का बनना, दूध से चाय का बनना, मिट्टी के घड़े से पक्का घड़ा बनाना, पेड़ से फल का टूटना इत्यादि। अब हम भाग एक में किए गए क्रियाकलापों को एक अलग ढंग से करके देखते हैं। क्रियाकलाप चार। अब क्रियाकलाप एक में लिए गए गुब्बारे को पुनः फुलाते हैं। इस बार उस गुब्बारे में पिन मारेंगे तो देखते हैं कि गुब्बारा फट गया। अब इस गुब्बारे को वापस पहले वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता। अब इसी का क्रियाकलाप पांच लेंगे, जिसमें क्रियाकलाप दो में लिए गए कागज की शीट को अगर हम कैंची से काटकर उसी हवाई जहाज की आकृति देखते हैं तो हम चाहें भी तो भी इसे पुनः कागज की पहली वाली शीट में नहीं बदल सकते। अब एक और क्रियाकलाप, गूंदे हुए आटे की लोई को बेलकर उसे अगर हम तवे पर पकाकर रोटी बना लेते हैं तो फिर हम चाहकर भी उस रोटी से वापस लोई नहीं बना सकते। उपरोक्त क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं किया जा सकता। अब हम कुछ सामान्य परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। क्या इन्हें उत्क्रमित कर सकते हैं या नहीं कर सकते? परिवर्तन और उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं कि कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, बताओ उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं? तो इसका आंसर है उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ऐसे ही गाढ़े घोल से इडली उत्क्रमित नहीं की जा सकती। गीले कपड़े से सूखे कपड़े को उत्क्रमित किया जा सकता है। ऊन के धागे से बुना स्वेटर उत्क्रमित किया जा सकता है। अनाज से बनाया गया आटा, बताओ उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं? तो इसका आंसर है उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठंडे दूध से गर्म दूध उत्क्रमित किया जा सकता है और दूध से दही उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अब परिवर्तन के कुछ अन्य तरीके हैं, जैसे प्रसार। जब कोई वस्तु गर्म होने से फैलती है या पिघलने लगती है तो उसे प्रसार कहते हैं। और संकुचन, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वो फैल जाती है और ठंडा करने पर वो सिकुड़ जाती है, इसे संकुचन कहते हैं। हमारे अधिकतर कृषि के औजारों के हत्थे लकड़ी के बने होते हैं।
इन औजारों पर हत्थे लगाने के लिए इन पर बने वले को गर्म किया जाता है, क्योंकि लकड़ी के हत्थे का अमाप वले से अधिक होता है। गर्म करने से वले फैल जाता है। अब उसमें लकड़ी का हत्था डाल देते हैं और ठंडा होने पर वले सिकुड़ जाता है, जिससे वले हत्थे पर सिकुड़ जाता है क्योंकि वो ठंडा हो चुका होता है। इसी प्रकार एक और परिवर्तन से हम लकड़ी के पहिए पर लोहे का रिम चढ़ाते हैं। क्रियाकलाप 7, एक मोमबत्ती लेकर उसे कुछ समय तक जलाते हैं, उसमें होने वाले परिवर्तनों को नोट करते जाते हैं और फिर दोनों प्रकार के परिवर्तनों को देखते हैं। जो मोम जल गया है उसे पुनः मोम बत्ती नहीं बन सकती, परंतु जो मोम पिघल गया है, जो पिघला हुआ मोम है, उससे पुनः मोमबत्ती बनाई जा सकती है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती का जलाना तो एक अनुत्क्रमित परिवर्तन है, जबकि मोम का पिघलाना एक उत्क्रमित परिवर्तन है। अब एक और क्रियाकलाप है, इसे एक बीकर लेकर उसमें 50 मिलीलीटर जल लेंगे और उसमें नमक घोल देंगे, जब तक कि उसमें नमक घुलना बंद ना हो जाए। अब इस बीकर को स्पिरिट लैंप पर रखकर गर्म करते हैं। जब सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाए तो देखते हैं कि बीकर में केवल क्या बचा है, क्या हो सकता है, बीकर में केवल नमक ही बचा है, अर्थात नमक का पानी में घुलना ही एक उत्क्रमित परिवर्तन है। बर्फ का पिघल कर पानी में परिवर्तन होना, बर्फ पिघल जाती है और फिर पानी में परिवर्तित हो जाती है, और पानी का गर्म होकर वाष्प में परिवर्तन होना, ये भी उत्क्रमित परिवर्तन का उदाहरण है। आज का टॉपिक इतना ही, अगला टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। आप तब तक इस चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। टिल देन गुड बाय।